तुम आज आराम से हैदराबाद में बैठे हो, तुम्हारे घरों पर बम नहीं गिर रहे हैं, तुम्हारे भाइयों का कत्ल नहीं हो रहा है, तुम बेघर नहीं हुए हो अल्हम्दुलिल्लाह। मगर गाजा के गरीब लोग 21 लाख की आबादी में 10 लाख बेघर हो चुके हैं, और ये जालिम इजरायली हुकूमत चाहती है कि इन तमाम गाजा के लोगों को खाली करा दिया जाए और उसको सिक्योरिटी जोन बनाकर इनको सीनाई के सहरा में ले जाकर छोड़ दिया जाए। कोई दुनिया खामोश है, सन्नाटा है। अरे जिसने मारे उनको देखो, मगर इन गाजा के गरीबों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मीडिया में एक तरफा रिपोर्टिंग कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फुला हुआ। अरे कभी तुमने देखा 70 साल से इसराइल ऑक्यूपायर है, इसराइल ऑक्यूपायर है, फलस्तीन ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, ऑक्यूपेशन तुमको नहीं दिखता, जुल्म तुमको नहीं दिखता। बताओ जिसके पास कमजोर है, जालिम जुल्म कर रहा है तो जालिम का साथ दिया जा रहा है, और जिसको बेघर कर दिया गया। आपको मालूम कब मसला पैदा हुआ? 1918 में। समझाने के लिए कह रहा हूं नौजवानों, जब तुम बड़े हो गए, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है नौजवानों। 1918 में यही ज़ायनिस्ट लोग वहां पर गए, बर्तानिया से साजबाज किया और 1918 से फलस्तीनियों को भगाने का प्रोग्राम बनाया। और फिर 13 मई 1948 में 18 से लेकर 48 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, उसके बाद से तरीके से साजिशों से फलस्तीनियों को मारा गया, भगाया गया। और उसके बाद क्या हुआ, 20-25 साल के अरसे में जिसको फलस्तीन की तारीख में नखवा कहते हैं, कितने लोग बेघर हो गए, 1.5 करोड़ फलस्तीनियों को भगा दिया गया। और फिर 67 की जंग हुई तो हमने मस्जिद अक्सा को खो दिया, उस मुबारक जगह को खो दिया जहां पे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों और नबियों की नमाज मोहम्मद की थी। और उस वक्त से वो फलस्तीनी लड़ रहे हैं। फलस्तीन का मसला सिर्फ अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं, फलस्तीन का मसला हर उस इंसान का मसला है जो इंसाफ चाहता है, जो इंसाफ चाहता है।